घाटे की वजह से कर्ज के बोझ में दबी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने अपनी सेवा बंद कर दी है। रिलायंस कम्युनिकेशंस को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई से तकड़ा झटका लगा है। ट्राई ने आरकॉम को ग्राहकों के खर्च नहीं हुए बैलेंस और सिक्योरिटी जमा को लौटाने का निर्देश दिया गया है। ग्राहकों ने इस बारे में नियामक के पास शिकायत की थी, जिसके बाद यह निर्देश दिया गया है। न्यूज एजेंसी के हवाले से ये खबर दी गई है। ट्राई ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी से प्रीपेड ग्राहकों का पैसा और पोस्टपेड उपभोक्ताओं की जमा राशि लौटाने का निर्देश देते हुए क्रमशः 15 फरवरी और 31 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्राई ने कहा, असामान्य परिस्थितियों में रिलायंस कम्युनिकेशन पोर्ट किए गए मोबाइल नंबरों पर रिचार्ज कूपन या वाउचर प्लान में खर्च नहीं हुए प्रीपेड बैलेंस को लौटाए। इसके अलावा उन ग्राहकों का भी बचा हुआ बैलेंस वापस दिया जाए जो न तो अपना नंबर पोर्ट करा पाए हैं और न ही सेवा का इस्तेमाल कर पाए हैं। गौरतलब है कि घाटे में चल रही कर्ज के बोझ से दबी आरकॉम ने 1 दिसंबर से करीब आधे देश में अपने नेटवर्क पर मोबाइल कॉलिंग सेवा बंद कर दी है। देश के बाकी हिस्सों में भी यह सेवा 29 दिसंबर से बंद हुई है।